और इनको काफ़ी टाइम से रानी हार ऐसा पहनने का मन भी था, तो आज मैंने आपको 1 ग्राम गोल्ड गिफ्ट किया है। ऐसे भगवान मुझे तरक्की देखे, मैं एक दिन आपको रियल गोल्ड का ऐसा बनवा के दो। आई नो बड़ा कचड़ पचड़ है इन लोगों की वजह। आज मेरी आंटी का बर्थडे है, आज मेरी आंटी का बर्थडे है, आज मेरी आंटी। हैप्पी बर्थडे टू यू। तीन देखो आप, डाकू मंगल सिंह, ढिंटर ढिंटर। जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन के दिन सुबह सुबह उठ के गोभी कौन काटता है? अच्छा, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट बर्थडे का नहीं, मेरी तरफ से तो कद्दू था ना, मेरी तरफ से कद्दू गिफ्ट है मम्मी को। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो मैं यहाँ पे नहा के एकदम रेडी हो गई हूँ एंड आज मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है। मैं इसके फिट के बारे में क्या बात करूँ, आई डोंट नो। जब पसंद कर रही थी तो मैंने ही पसंद किया था इसको, लेकिन जब भी मैं इसको पहनने का सोचती हूँ पता नहीं क्या होता है, मैं इसको पहनती नहीं हूँ। तो आज तक इसका मुहूर्त ही नहीं निकल पाया। आज मैंने सोच लिया था कि मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ, क्या करना है मुझे नहीं पता, बट मैं आज इसको पहनूंगी जरूर, इसको निकालना जरूर है, क्योंकि जब मैंने लिया है तो इसको पहनना तो पड़ेगा ही ना। तो मैंने आज फाइनली इसको निकाल लिया। मुझे इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा पसंद है, बट पता नहीं कुछ है इसके साथ, आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पाती हूँ, पर आज मैंने पहन लिया। मेरे पीछे बहुत अच्छे गुड़हल हुए हुए हैं, तो सूरज देव तक हम जल चढ़ा चुके हैं, अब हम नीचे पूजा करने जा रहे हैं, तो फूल तोड़ लेते हैं। मेरा ना दिल खुश हो जाता है इन मोगरों को देख के, क्योंकि इनकी वजह से मेरा मंदिर पूरा सज जाता है। इतने सारे एक साथ होते हैं, भगवान नजर न लगे, और मेरे मंदिर के लिए सफिशियंट होते हैं। पूरा मंदिर बढ़िया सुंदर सा वाइट वाइट दिखता है और महकता है, वो अलग देखो। हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री वासुदेवाय नमः, नमो पार्वती पते, हरे हर महादेव। तो आज हम ब्रेकफास्ट कम लंच कम ब्रंच खा रहे हैं। ब्रंच जो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में, तो इसे ब्रंच कहते हैं। तो ब्रंच में है, इसको कहेंगे रोटी कम पराठे, गोभी की सब्जी, और ये मेरी फेवरेट कैरी की कलौंजी। आज मम्मी ने सुबह सुबह दिल खुश कर दिया ये बना के। अभी खाया कहाँ? बर्थडे गर्ल इज रेडी, और ये जा रही है किसी की माता पूजन में सज धज के। बज रहे हैं दोपहर के 11 और इस वक्त कायदे से मुझे अपने शॉप पे काम करते हुए होना चाहिए था, और मेरा दिल भी चाहता था, मेरा दिमाग भी चाहता था, मैं प्रिपेयर भी थी काम करने के लिए, बट इलेक्ट्रिसिटी गाइस, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया है हमारे एरिया को, भगवान मालिक है कहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी रोज रोज घूमने चले जाती है। मतलब आई डोंट नो क्या सिचुएशंस कर देती है ये। मैं इतना प्रिपेयर होकर मॉर्निंग में उठती हूँ, सारे काम उसके अकॉर्डिंग में अपने सुलटाती हूँ, क्या वर्ड्स यूज कर रही हूँ मैं, और मैं सोचती हूँ कि टाइम से एकदम जाऊंगी काम करूंगी, बट नीचे क्या है ना, नीचे और भी ज्यादा अभी गर्मी लगेगी, अंधेरा भी है क्योंकि वहां पे इन्वर्टर का काम तो अभी है नहीं है। तो उस चक्कर में ना मैं ऊपर ही हूँ और मैं सोच रही हूँ ऊपर से जितना काम कर सकती हूँ वो कर लूँ, बाकी तो क्या ही बोलूँ गाइस, क्या ही बोलूँ। मतलब ऐसी सिचुएशंस हो जाती है ना रोज के रोज, ऐसा लग रहा है मैं एकदम गांव में जा चुकी हूँ, बहुत ज्यादा गांव में, और यहाँ पे पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी जाना फिक्स है। पापा ने बोला 2 बजे तक के लिए लाइट गई है, एंड मौत आ जानी है अगर 2 बजे तक के लिए लाइट गई, क्योंकि आप देख रहे हो ये, दिस इज स्वेट। मुक्कू एंड ओमी इज हेयर, और अभी वो दौड़ लगा के सबसे पहले ऊपर ही आएंगे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। यार ये तो बार बार गिर जा रहा, सच कहाँ गया? हाय
बाय इनू। हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू। गिफ्ट दो आंटी का। इनू, इसका नाम क्या? इनू। माय गिफ्ट टू माय मदर, ये मैंने इनको आज गिफ्ट किया इनके बर्थडे पे। इसके साथ में बहुत ब्यूटीफुल से इयररिंग्स भी हैं। कैसा लग रहा है मम्मी आपको आपका गिफ्ट? हाँ, ये आपके ऊपर भी बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो जो इनके गले में है, ये 1 ग्राम गोल्ड में है, और इनको काफ़ी टाइम से रानी हार ऐसा पहनने का मन भी था, तो आज मैंने आपको 1 ग्राम गोल्ड गिफ्ट किया है। ऐसे भगवान मुझे तरक्की दे कि मैं एक दिन आपको रियल गोल्ड का ऐसा बनवा के दूँ। थैंक यू। सरस्वती विराजे। खुद के नाम पे सरस्वती विराजे। जिसको देना हो उसका विराजे। और ये देखो मेरे पैर में लग गया एकदम से। हेलो गाइस, आप कमेंट करके बताइएगा कि आज स्वाति की मम्मी कैसी दिख रही है बर्थडे के दिन। प्रिटी प्रिटी। भीषण गर्मी का एक ही सहारा है, फ्रिज चल नहीं रहा था, फिर भी मैंने फ्रिज में रखा हुआ था नारियल पानी कि ये थोड़ा ठंडा हो। हाँ, थोड़ा सा ठंडा तो हुआ है, और फिर मैं इसको पी के थोड़ा अपनी गर्मी को सहने की शक्ति लाऊं अपने अंदर। दोस्तों यार, नहीं, जो मजा इसमें पीने का है वो ग्लास में पीने का नहीं। लाइट वाले, तेरा क्या बिगाड़ा है हमने। भजन मत गाओ उसी पे। Stay hydrated guys, stay hydrated। आज तो दिन में आया है कोई। दिन में इसकी पायल के आवाज से समझ गई थी कि ये ऊपर आ रहा है। ना खुद सो रहे हैं और ना मुझे सोने दे रहे। एक ये है मेरे पैर के नीचे दबी हुई, और एक ये है, ये देखो। ना खुद सो रहे हैं ना मुझे सोने दे रहे हैं। ये है हमारी गेंडा स्वामी। आप फेंटा नाम है इनका नया नाम गाइस। ठीक है गेंडा स्वामी, फेंटा दीदी बोल सकते हैं आप ऐसे, और प्यार से इनको फेंटू बुला सकते हैं। फेंटू तो जी क्या बुलाएंगे? गेंडू स्वामी। नहीं, गेंटू स्वामी। हेलो गाइस, मम्मी कितनी सी जगह में लेटी है, आधा पैर नीचे, दोनों पैर ऊपर। तो लाइट आने के बाद मैंने एक नैप लिया और अब मैं आ गई हूँ नीचे। सबसे पहला मुझे काम करना है जो ये बैग हम लेके आए थे मम्मी के लिए, जो दीदी की तरफ से गिफ्ट है मम्मी को, इसको हम करेंगे पैक। आंटी को नहीं पता है? नहीं, मम्मी को नहीं मालूम, मैं लेके आई थी। इसको हम गिफ्ट रैप करेंगे ताकि हम मम्मी को शाम को सरप्राइज कर सकें। मेरा वाला जो गिफ्ट था वो मैं मम्मी की चॉइस से ही मम्मी को देना चाहती थी, बिकॉज हम काफ़ी दिन पहले वो लेके आए थे, मम्मी का भी मन था वो लेने का, तो मैंने, और आज उनको जाना भी था माता पूजन में, तो मैंने कहा आप पहन के जाओ, आपको जो पसंद आ रहा है वो अपनी तरफ से ले लो, तो उन्होंने अपनी पसंद से ले लिया। बट दिस इज सरप्राइज फॉर मम्मी, तो हम इसको करेंगे अब पैक। आर यू रेडी टू सी? किसे दिया ये? ये दीदी ने मम्मी को दिया है। वहां से दिया मतलब? नहीं, मैं लेके आई थी पसंद करके मार्केट जाके। बैग इज पैक्ड, और ये हमने ओमी की चॉइस से पैक किया है। उसने कहा आप इस रैपर में पैक करो, अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हैप्पी बर्थडे माँ का टैग लगा दे, ये हम उनको शाम को देंगे। वी गॉट रेडी, क्योंकि हम सब मिलकर जा रहे हैं बाहर मम्मी के बर्थडे का डिनर करने के लिए, एंड ऑल्सो हम जाएंगे काली माता जी के दर्शन करने के लिए। तो हम में, मैं, पापा, मम्मी तो है ही है, साथ में हमारे साथ 3 एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट ये और एक जो ये आ नहीं पा रही है, ये कौन है? अंदर के कपड़े सेम है गाइस, देखिए ये हमारे मामा की लड़की है, देखिए ये बर्थडे गर्ल बेचारी छुप गई, और बर्थडे गर्ल ये है, ये रही बर्थडे गर्ल है जो की रेडी हो चुकी है पूरी तरीके से, चुड़ैल वाले हैं। मुझे कुछ कंफर्टेबल से पहनना था, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दिस चिकनकारी कुर्ती, ये पापा लेके आए थे। आंटी आंटी, ये पापा लेके आए थे लखनऊ से। लेट मी नो कमेंट सेक्शन कैसा लग रहा है। आई नो बड़ा कचड़ पचड़ है इन लोगों की वजह से। आज मेरी आंटी का बर्थडे है, आज मेरी आंटी का बर्थडे है, आज मेरी आंटी मम्मी, वो आ गई बेबी।
प्लान बनाया कि हम बाहर जाएंगे, सबसे पहले मैं बोलूंगी मम्मी को मम्मी, उसके बाद मुक्कू बोलेगी मम्मी को मम्मी, फिर ये बोलेगी मुक्कू मम्मी को मम्मी, और मैं ये बोलेगी, मेरा शौक दीदी तो और ही मजा आता, लोग शौक हो जाते कि भाई कितनी लड़कियां हैं इनकी, खत्म ही नहीं हो रही, और सबसे इसको देखने के बाद तो और शौक हो जाएगी, इतनी छोटी भी और इतनी बड़ी भी है। वी आर ऑल रेडी। आउटफिट कुछ ऐसा दिख रहा है। आई लव द कम्फर्ट ऑफ चिकनकारी, इसका कम्फर्ट ना कोई मैच नहीं कर सकता, दिस इज सुपर गुड। मैंने कलर्स आई थिंक पहली बार पहना है, ऐसे कलर मैं जनरली पहनती नहीं हूँ, बट आई एम लविंग इट, सुपर कम्फर्टेबल इन दिस समर। केक हेयर एंड वी हैव गिफ्ट हेयर, पहले हम केक कट करेंगे उसके बाद हम जाएंगे, सो लेट्स गो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुक्कू Happy birthday, happy birthday, mama. Happy birthday, dear mama. Papa, आओ इधर। सबकी मम्मा ही हो गया हमारा। झोला भी मैचिंग है देखा। क्या होगा मम्मी इसमें? कैसा लग रहा है? अच्छा, सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा गिफ्ट है ना? स्लिंग भी है उसमें, लेकिन थोड़ा लाई थी मैं वापस, उस दिन इसीलिए लेट हो गया था मुझे, सबसे ज्यादा यही ढूंढा है मैंने, न्यू मार्केट से लेके आई थी मैं। अच्छा लग रहा है नहीं? अच्छा लग रहा है, साइज सही है ना आपके हिसाब से? असिस्टेंट सब रख लीजिए। हाँ, फाइनली वी आर लीविंग, मम्मी को गिफ्ट पसंद आया और केक कट भी हो गया, अब वी आर गो, हम दर्शन करेंगे उसके बाद हम डिनर के लिए जाएंगे, लेट्स गो। गाइस अब आ चुके हैं मंदिर, काली मंदिर, और अभी सब लोग पूजा कर रहे हैं, स्वाति जी हर दे रही हमारी माता जी, और ये है इनू, और ये रही हमारी स्वाति जी जो अभी पूजा करती है। हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पेट पूजा करने, ये नवरात्रि के लिए सजाया होगा तो अभी तक सजा ही हुआ है, आज हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए क्योंकि हम आरती के बाद आए थे तो काफी भीड़ कम थी, भीड़ थी ही नहीं, हाँ दिन में ठंडक के लिए जरूरी है। हम होटल में पहुंच चुके हैं और ये रही होटल, और ये रही स्वाति, ये ब्लॉगिंग करेंगी आगे की, अरे ब्लॉगिंग करो ना, मैंने बता चुका हम होटल में आ चुके हैं। नींद देखो आप, हम घर आ चुके हैं, तो गाइस हम घर आ चुके हैं और हम लाए हैं अपने साथ आइसक्रीम, स्कॉच आइसक्रीम, क्योंकि चॉकलेट कहीं भी नहीं मिला। यस, और हमें तो अब हम आइसक्रीम एंजॉय करेंगे। जग रहा है भाइयों? अभी तक जग रहा है, अभी राज जिसका आप डेली ब्लॉग में देखते होंगे, आज भी आप देखते होंगे, देखा होगा आज क्रीम
थैंक यू फॉर द एंजॉय डे, धन्यवाद। पूरे टॉप को आइसक्रीम खिलाया है, मम्मी मारेगी चाटा, फिर बोलना धन्यवाद। तो गई मैं डाकू मंगल सिंह ढिंटर ढिंटर डाकू मंगल सिंह पिट गया। एंजॉयड द आइसक्रीम, हैव यू एंजॉयड द डिनर? इन्हें तुमको मजा आया? आइसक्रीम कैसी थी? उसने पहली बार आज आइसक्रीम खाई है, आइसक्रीम नहीं खाते आप? नहीं बिल्कुल नहीं। गुड हैबिट है उसको, गुड हैबिट है। अच्छी नहीं हैबिट है ये। मंगल सिंह को लेके जाइए आप, कल आपकी नई क्लास का पहला दिन है दोनों का। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। आज मम्मी ने डिसाइड किया कि वो अपने सारे बैग्स अच्छे से कवर करके रखेंगे। एंड लुक एट दिस, ये ऐसे कवर कर रही हैं अपने पर्सेस। तो ये मेरा जूक का बैग था जो मेरे लिए आया था, बट मैंने इसे कम यूज़ किया है, पूरी तरीके से इसको मम्मी ही यूज़ करती हैं। बेसिकली ये मम्मी का ही बैग है, एक ये स्लिंग बैग है, एक ये स्लिंग बैग है, और उसमें सारे ही वॉलेट्स हैं इनके। मतलब इतनी वैरायटी तो मेरे पास भी नहीं है जितनी वैरायटी मम्मी के पास, आप देख रहे हो। और इनको चेक करना पड़ रहा है रखने से पहले कि किसी में पैसे तो नहीं, क्योंकि ये हर पर्स में कुछ ना कुछ डाल के रखती हैं। बट इट्स अ गुड इनिशिएटिव मम्मी, आपको अपने पर्सेस को अच्छे से रखना चाहिए, बैग्स में डाल के रखोगी तो और बेटर होगा। हाय गाइस, आज की शाम काफ़ी अच्छी रही, हमने काफ़ी इन्जॉय किया और बहुत दिनों बाद मुझे काली जी के दर्शन भी हो गए। काफ़ी समय से मैं कोशिश कर रही थी, लाइक नवरात्रि में मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं दर्शन कर लूँ, बट वो हो ही नहीं पा रहे थे। तो आज का दिन मैं कैसे ही छोड़ सकती थी। बेसिकली हमारे घर का होते ही है कि हम हर किसी के बर्थडे पे एक बार काली जी के दर्शन करने तो जाते ही जाते हैं। वहाँ पर शिव जी भी हैं, शीतला माता भी हैं जो हमारी कुल देवी हैं, तो हम सबके दर्शन कर लेते। तो आज मेरे दर्शन हुए, मुझे बड़ा सुकून लग रहा है और हमने इंजॉय भी काफ़ी किया और मम्मी को भी बर्थडे अच्छा लगा। तो इट वॉज अ गुड स्वीट बर्थडे, मजे आई। मैंने आगे चेंज कर लिया, अपने स्किन केयर कर लिया है, एंड ऑल्सो नाउ आई एम गोना हैव माई आइसक्रीम। मैंने बहुत ज़्यादा चॉकलेट आइसक्रीम ढूंढी, मेरा बहुत मन कर रहा था कुछ ठंडा एकदम खाने का, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं मिली। आई एम हैविंग बटर स्कॉच, हैव इट। मैं स्ट्रेट में सो जाऊंगी, थोड़ी सी थकान सी लग गई है। सो मैं आपसे मिलूंगी कल, बाय। कल फिर आइएगा।